हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल। आप देख रहे हैं गो गैजेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रियलमी वन फोन के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसका मैं एक सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं बताने वाला हूँ इस फोन की कुछ स्पेशलिटीज के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने ये फोन खरीद लिया है या फिर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो इन दोनों वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं स्पेशलिटीज वाला वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस फोन का फर्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे लगा है वो है इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर का ना होना। हालांकि इस फोन में फेस लॉक का फीचर्स दिया गया है बट फेस लॉक का फीचर्स अभी बेटा वर्जन में है, अभी उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर तो एकदम अच्छा खासा है, फेस लॉक कभी कभी काम नहीं करता। इस फोन का जो मुझे पहला प्रॉब्लम लगा है, और सेकेंड प्रॉब्लम जो मुझे लगा है इस फोन में, जो कि है इस फोन के ग्लास बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है। लाइक कोयला ग्लास तो आपके 5-6 हजार रुपये में फोन पे भी मिल जाएगा, बस इस फोन का जो ग्लास प्रोटेक्शन बिल्कुल खराब है। इस सेकेंड प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, इस फोन में ग्लास प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं दिया गया। अगर आपका फोन Realme One वाला एक बार भी हाथ से गिरा ना, आपका ग्लास जो है पक्का क्रैक हो जाएगा। फिर इसका तीसरा प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूँ, जो कि है स्लो चार्जिंग। जी हाँ फ्रेंड, इस फोन में जो है फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस फोन में अगर आप 100% चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटे सेट लग जाएगा। फ्रेंड्स, आजकल तो 5-6 हजार रुपये के फोन में भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन रहता है, पता नहीं रियलमी ने क्या किया है, 13-12 हजार रुपये का फोन में भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया इन लोगों ने। और फ्रेंड्स, इसका जो फोर्थ प्रॉब्लम मुझे लगा है उसको है डुअल कैमरा सेटअप ना होना। पीछे आपको सिर्फ एक ही कैमरा देखने को मिलेगा जो कि ना प्राइस मतलब 11-12 हजार तो कोई छोटी बात नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है हम मेरे जैसे लोगों के लिए। तो जो आपको डुअल कैमरा हर एक फोन दे रहा है इस फोन में भी देना चाहिए था। पीछे सिर्फ आपको एक ही कैमरा मिलेगा बट इस कैमरे का भी कुछ अच्छा फीचर्स है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो कि मैं बनाने वाला हूँ इस फोन की स्पेशलिटीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज भी ये वीडियो बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर लीजिए ताकि मैं स्पेशलिटी वाला वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन जो आपके पास पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।